ना मैं आशिक ना मैं दीवानी, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार आमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ। चॉइस मेरी खुद की है शोबिज में आने की रहने की, लेकिन दे हैव बीन सपोर्टिव, मतलब काफ़ी हद तक वो खुश होते हैं जब मैं, क्योंकि सबसे छोटी बहन की फैमिली में, तो मैं हमेशा से लाडली रही हूँ बहुत ज़्यादा। पीड़न हूँ मैं सीने लावा, ते मैं हंस दी जावा, तुप दे लड़ लड़ के मैं लभी अपनी अच्छा, दुख भी अपने सुख भी अपने, मैं ते बस जाना। आपके सीनियर आर्टिस्ट में से मुझे नुमान एजाज बहुत पसंद है। मेरे ख्याल है एक तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती, कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने हुनर रखा होता है, किसी में सिंगिंग का, किसी में एक्टिंग का, और भी कई किस्म के स्किल्स होते हैं। अच्छा, ये भी कोक स्टूडियो का ही है, इट्स ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट्स। अगला मजबूरी नो आन जान दी पसूड़ी नो, जहर बने हाँ तेरे पी जावा मैं पूरी नो, आना सी ओ नहीं आया, दिल बांग बांग मेरा टकराया, कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नो। I want to produce good songs, और मैं as a singer and as a biotechnologist पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से represent करना चाहती हूँ internationally। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। आज हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही स्पेशल पर्सनैलिटी मौजूद हैं, वो भी ईद की स्पेशल एपिसोड में, तो हम आपकी इनसे मुलाकात करवाएंगे और जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम अफरा, कैसी हैं आप? मैं भी ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं आपका रमज़ान कैसा गुजरा? रमज़ान बहुत अच्छा रहा, बहुत तेज़ी से गुजर गया। लेकिन और ईद की आगे की आपकी मसरूफियात? आज तो फर्स्ट डे और हम लोगों ने आपको ले आए हैं यहाँ पर पॉडकास्ट के लिए। बस ईद की मसरूफियत है, फैमिली का आना जाना लगा हुआ है, और रात सारी चांद रात मेरी जाग कर ही गुजरती है, कभी मेरी नींद पूरी नहीं हुई पहले दिन, तो मेहंदी लगवाना और ये सब एक्टिविटीज़ में, तो वो स्लीपलेस ही होता है, बट इट्स ऑलवेज हैपनिंग पहला दिन। मक्का, हम सबसे पहले तो आपकी थोड़ा बचपन की तरफ चलेंगे, आप हमें ये बताएं आपका बचपन कैसा गुजरा? बचपन मेरा अच्छा गुजरा है, जब मैं क्योंकि सबसे छोटी बहन की फैमिली में, तो मैं हमेशा से लाडली रही हूँ बहुत ज़्यादा घर वालों की, हर बात मनवाना या हर बात अपनी मर्जी से करना, सो अल्लाह का शुक्र है। कितने बहन भाई हैं? और हम चार बहन हैं। आप सबसे बड़े हैं? मैं सबसे छोटी हूँ। और आपसे बड़े? मुझसे बड़ी तीन हैं, तीनों सिस्टर्स हैं। जी जी, बहनें हैं तीन। जी जी, आई एम द ओनली वन सिंगल राइट नाउ, और एक मेरी बहन कनाडा होती है, एक दुबई होती है, एक लाहौर में होती है। आप जब आई हैं सिंगिंग की फील्ड में, और माशा आपकी वॉइस बहुत खूबसूरत है, तो आपकी फैमिली में कितने लोगों ने आपको सपोर्ट किया? टू बी ऑनेस्ट, मेरी अपनी अम्मी की आवाज़ बहुत प्यारी है, तो आई गिव हर क्रेडिट कि उनके भी इनके जेनेटिक्स हैं मेरे अंदर। बट फैमिली ने हमेशा बचपन से सपोर्ट किया, लाइक इवन मेरे डैड जो थे, क्योंकि आर्मी से बिलोंग करती हूँ मैं, तो आर्मी इवेंट्स में भी हमेशा अबू कहते थे कि आप पार्टिसिपेट करो, कोई ना कोई नेशनल सॉन्ग हो जाए या कुछ भी, तो हमेशा से ये कि चॉइस मेरी खुद की है शोबिज में आने की रहने की, लेकिन दे हैव बीन सपोर्टिव, मतलब काफ़ी हद तक वो खुश होते हैं। अंकल आर्मी में? मेरी अम्मी मेरी हाउस वाइफ है, वो शोबिज से हाउस वाइफ ही है वो। जी, तो वो खुद सिंगिंग वगैरह करती हैं? आपने बताया सिंगिंग वगैरह प्रोफेशनली इन्होंने नहीं की, बट ये है कि शी डिड स्टेप इनटू शोबिज, लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी ऐसा पहले छोड़ दिया था, सो बट मैं जो हूँ मैं उस चीज़ को आई वांट टू कंटिन्यू। अब अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा लाडली किसकी? वैसे तो मैं कहूँगी शायद सबकी, क्योंकि मेरे एक तो बहनों से भी एज डिफरेंस है, मतलब 6-7-8 साल का, और मैं यहाँ से मैं सबकी लाडली रही हूँ शुरू से अभी तक भी। तो आप स्कूल, आपने कहाँ सीखी अपनी स्कूलिंग? मेरी LGS एंड इब्न सीना से मेरी स्कूलिंग है, और उसके बाद मैंने इंटर किया अपना डिफेंस डिग्री कॉलेज से, और अभी रिसेंटली मैंने
बैचलर्स अपना कंप्लीट किया है एफसी कॉलेज से बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, ये कुछ लॉजिक समस्या आई लाइक बायोटेक्नोलॉजी से आप सीधा एकदम से सिंगिंग में आ गए? अच्छा, मैं सिंगिंग में मैं बचपन से मतलब मैं परफॉर्म कर रही हूँ, तो उसका वो साइंस से कोई लिंक नहीं है, बट मैं हमेशा से मतलब सोशल रही हूँ, बहुत ज़्यादा इवेंट्स में परफॉर्म करती रही थी, तो वो एक चीज़ मेरे साथ साथ वो करिकुलर एक्टिविटी आप कह सकते हैं वो चलती रही है मेरे साथ साथ। आपने फर्स्ट सॉन्ग किस एज में किया सिंगिंग? जैसे मैं काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक नाच के कॉम्पिटिशन वगैरह में पार्टिसिपेट करती हूँ स्कूल लाइफ से, शायद मैं 7-8 साल की हूँ जब मैंने सिंगिंग का बाकायदा मतलब मुझे पता चला कि मैं ये कर सकती हूँ। हम अपने व्यूवर्स को बोर नहीं करेंगे, आप पहले ये बताएं हमें सुनाएंगी क्या? आज भी काफ़ी ट्रेंडिंग पर भी जा रहा है तेरा मेरा है प्यार अमर। जाने तमन्ना जाने आता तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही, सूरज की किरणों साई का चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं, मेरे मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं दीवानी कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूँ, ये जीवन क्या कर मांगे तो मेरी जान नजर कर दूँ, तेरा मेरा है प्यार बहुत खूब बहुत खूब। वक्त आपके बचपन की ऐसी कौन सी याद है जो आप अभी तक उसको लेके याद करती हैं, और आपका बचपन की सबसे अच्छी खूबी क्या रही है? एंड द यंगेस्ट वन इन द फैमिली, तो ये के बाद फिर मनवाना अबू से, आई थिंक यही बात है सबसे ज़्यादा खूबसूरत कि आई ऑलवेज बीन द वन यू ब्लैकमेल कर गया अभी बात मनवाना रही है। मैं शरीफ ही रही हूँ वैसे शुरू से, लेकिन ये कि अपनी थोड़ी सी अपनी चॉइसेस के लिए स्टबर्न हूँ, रिजिटी हूँ, मतलब जो मुझे करना है वो मुझे करना है, तो उस पर मैं फिर मतलब मुझे बहस कर उसको पसंद नहीं है, ये एक पता नहीं अच्छी याद नहीं है बुरी, बट ये चीज़ है। अगर आप सिंगिंग में ना आती तो आप फिर किस चीज़ में होती, किस फील्ड में होती आप? ये बड़े मज़े का आपने वैसे सवाल किया। मेरे ख्याल से मैं सिंगिंग में मैं होस्टिंग भी करती रही हूँ टीवी चैनल्स के साथ और अपने यूट्यूब चैनल पर भी, तो आई थिंक होस्टिंग और सिंगिंग, और दूसरा मैं एक इंटरनेशनल ट्रैवलर होना जरूर पसंद है, ट्रैवलिंग करना काम फिर अभी व्लॉगिंग भी उसी की कर रही होती है। जी जी, मेरा फ्यूचर प्लान है कि मैं सिंगिंग के साथ साथ ट्रैवल व्लॉग्स भी शुरू करूँ, तो मेरा ख्याल है कि मैं इंटरनेशनल वो ट्रैवल व्लॉगर जरूर होती हूँ। तो आप जब आई कॉलेज लाइफ में अपनी, जी जी, तो आपने तब कितने कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, कितने में विन किया, कभी आपने इंटरनेशनल लेवल पे या पाकिस्तान के हाई लेवल पे जाकर शोबिस में काम किया? काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में ऐसे स्कूल लाइफ में मुझे तो नंबर भी याद नहीं है, मैंने होस्टिंग भी की है काफ़ी यूनिवर्सिटी स्कूल वगैरह के जो इवेंट्स होते थे उसमें, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, फिर इंटर में तो वंस मतलब हमेशा आई वॉज द ओनली सिंगर इन माई इंटर, और मैं ही रिप्रेजेंट कर रही होती थी एज अ सिंगर अपनी कॉलेज को, और इसके अलावा इवेंट्स में पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हुआ था एमेच्योर ओलंपिया के नाम से इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे भी आई फेल्ट ऑनर्ड कि मुझे उन्हें बुलाया और मैंने पाकिस्तान को बहुत अच्छा वहाँ रिप्रेजेंट किया, और मतलब इंटरनेशनली वहाँ पे आपके न्यूट्रिशनिस्ट आए हुए थे, एथलीट्स आए हुए थे, सो आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट। सो मतलब हमें ये बताएं कि आपकी फैमिली में भी मतलब आपके फादर आर्मी में थे, मदर भी आपकी, उनका भी थोड़ा बहुत सिंगिंग में शौक था? जी 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 जी। सो आप आजकल के टेक्नोलॉजी के दौर में आप अदब में कैसे आ गए, क्योंकि मैंने आपको मोस्टली अदब बैठक में बहुत ज़्यादा देखे कि आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन रहती हैं? आई थिंक तो मौसीकी से ताल्लुक होते हैं तो फिर आई थिंक ऑटोमेटिकली अदब से भी ताल्लुक होता है, बिकॉज मेरा मानना है कि आप जो आपके आप गाते हैं जिस तरह नज़म है या कुछ भी, तो उसका कोई ना कोई जो है वो मकसद होना चाहिए, कोई ना कोई मतलब होना चाहिए शायरी का, या कोई पैगाम होना चाहिए, वो गाए जिस मर्जी अंदाज में जाए मगर उसका कोई मतलब होना चाहिए, सो आई थिंक आई एम ऑलवेज इनटू पोइट्री। अच्छा, आपने बताया कि शौक वाले लोगों को पोइट्री का शौक होता ही है, तो आपने अपनी कभी खुद लिखी पोइट्री? मुझे
दोस्त अब आप कहते हैं कि बिल्कुल खुद से लिखा। मैंने ओ लेवल्स में एक दो गाने लिखे थे, वो भी कॉम्पिटिशन के लिए, बट उसके अलावा मतलब मुझे पसंद ज़रूर है लेकिन शायद मैंने ट्राई नहीं किया। वैसे मैंने आपका एक सॉन्ग देखा था आपने, मैं माशाल्लाह रमज़ान के वो नाथ थे हाँ हाँ तो वो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी, मैंने देखी थी। तो इसके अलावा भी आपका कोई रिसेंटली सॉन्ग आने वाला है? जी जी आने वाला है इंशाल्लाह, ईद पे मेरी कोशिश है मैं रिलीज़ कर दूँ, बट ईद के आसपास या ईद पे इंशाल्लाह मैं खुद का सॉन्ग रिलीज़ कर रही हूँ। आप हमें थोड़ा बहुत उसका थीम बता सकती हैं? थीम कमर्शियल गाने होगा, धूम धड़के वाला, और अभी इस पर चल रहेगा, अभी इस प्रोजेक्ट पर चल रहा है। अच्छा वैसे आपको अगर बाहर लुक देखा जाए तो आपको एक सुफियाना टच में नज़र आती है, तो आपका जोक है सुफियाना टच में? आई मीन टू ऑल टाइप ऑफ जॉनरा, मतलब पॉप भी क्लासिकल भी, तो सुफियाना मतलब मुझे पसंद है बट मैं उससे अपने आप को मतलब बाकायदा उससे लिंक नहीं करूँगी, लेकिन आई लव पोइट्री, आई लव सूफीज़म का जो कॉन्सेप्ट है। आप हमें और क्या सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से अभी अपनी सूफियाना उसकी बात की है, फिर हम तू झूम सुना देती हूँ मैं आपको, एक दो लाइंस तो होनी चाहिए वैसे। मेरा पर्सनल भी फेवरेट है। वीरनु मैं सीने लावा से मैं हंस दी जावां, हो मैं सीने लावा से मैं हंस दी जावां, उप दे नाल लड़ लड़के मैं लभी अपनी छावां, दुख भी अपने सुख भी अपने मैं ते बस जाना, सब न समझ के की करना है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम, मैं दीवानी कुछ ना जाना मस्त होके गावा, दुनिया राजी करके कमले फिर विचैन नहीं आना, जो है तेरा लब जाएगा करके कोई बहाना, तेरे बस में कुछ भी नहीं है दिल नू ऐ समझावा, तू झूम 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 झूम, तू झूम 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 झूम। दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट्स, बहुत बहुत खूबसूरत है बिल्कुल। वक्फ़ा अगर आपको ड्रामों में काम करने का मौका मिले जी, तो आप कौन से एक्टर के साथ काम करना पसंद करेंगे? एक्टर के साथ क्योंकि मुझे लगता है मैं पर्सनल कोई अपना फेवरेट है नहीं, लेकिन शायद नाम पर जो भी हैं, आई वुड लव टू वर्क विद फैसल कुरैशी, आई वुड लव टू वर्क विद आपके सीनियर आर्टिस्ट में से मुझे नुमान एजाज बहुत पसंद है, एंड देन वी कम टू तैमूर खान, सो आई थिंक दिस इज अ लॉन्ग लिस्ट, तो आई वुड लव टू वर्क विद मतलब ऑल द आर्टिस्ट इन जनरल। आपने किसी से सीखी सिंगिंग? नहीं मैंने नहीं सीखी, खुद ही जी खुद। हमारी मोस्टली न्यू जनरेशन होती है उनको बड़ा शौक होता है मूवीज़ में काम करने का, ड्रामों में काम करने का, सिंगिंग करने का, तो उनको अपने अंदर कितनी पैशनेट रखना चाहिए खुद को कि वो इस फील्ड में आ सकें, या कितना उनको ट्राई करना चाहिए, इसके ऊपर मेहनत कितनी करनी चाहिए? मेरे ख्याल है एक तो अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती, कुछ लोगों में अल्लाह ताला ने हुनर रखा होता है, किसी में सिंगिंग का, किसी में एक्टिंग का, और भी कई किस्म के स्किल्स होते हैं, तो एक तो वो कुदरती होता है, तो अगर आप उसको पहचान लें तो उस पर आप मेहनत करेंगे, अगर आपका पैशन है और आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक एक तो आपका कंसिस्टेंट रहना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो उस काम में आप उसको जारी रखें, उसको आप छोड़ें ना, मतलब ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि अल्लाह ताला ने आपको फ़ौरन ही उस चीज़ में कामयाब करना है, तो ये है कि आप हिम्मत नहीं हारें, अल्लाह पर तवक्कल रखें और आप मेहनत करते रहें। आगे की आपकी लाइफ की क्या प्लान्स हैं? फ़िलहाल तो ये है कि मैं सिंगिंग में बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपना करियर बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर शोबिज़ इंडस्ट्री, अच्छे गाने देना चाहती हूँ पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री को। और आपने अपनी नेक्स्ट फ्यूचर लाइफ के बारे में क्या सोचा है? काफ़ी अच्छे से पीछे पड़े हुए बट जब अल्लाह को मंजूर है तभी होगा। अच्छा आप हमें ये बताएं कि आपने कौन कौन से टीवी चैनल में अभी तक काम किया, इंटरव्यूज़ कितने दिए आपने? पोस्टिंग जो है वो दैन न्यूज़ में की है, कोहे न्यूज़ में की है,
एंड एज गेस्ट मतलब इंटरव्यू जहाँ मेरे हुए वो लाहौर न्यूज़ में हुए, दुनिया न्यूज़ में हुए, अभी रिसेंटली भी मतलब दुनिया न्यूज़ में, लाहौर न्यूज़ में, एंड इसके अलावा जलवा पे भी ऑन एयर है मेरे को हमदा प्रोजेक्ट है। मैंने देखा था कल आप अभी करके आई हैं जागो लाहौर के ऊपर भी जी ऐसे ही। कैसा रहा आपका वो वाला प्रोग्राम? बहुत अच्छा रहा अल्लाह का शुक्र, बहुत इज्जत हुई मैंने, वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस। जब आपके फैंस आपसे मिलते हैं तो कैसी आपकी फीलिंग्स होती है? फिलहाल तो मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब आई गॉट लॉट ऑफ इंकरेजमेंट फ्रॉम माई फ्रेंड्स एंड फैमिली, फिर अपने कॉलीग से जो सोशल सर्कल हैं, और सोशल मीडिया पे भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं और इनक्रेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है मेरे लिए एक्नॉलेजमेंट बहुत मायने रखती है और उसी ने मुझे वो इनक्रेज किया, हौसला दिया कि मैं आगे भी करती रहूँगी काम। आपके फ्रेंड सर्कल कितना रहा है शुरू से लेकर स्कूल लाइफ से? मैं आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई हैव अ वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, सो मैं ये कि मेरे दोस्त अहबाब हमेशा से बहुत ज़्यादा रहे, हर इवेंट पे पार्टिसिपेट करना है या परफॉर्म करना है या होस्ट करना है उसको, तो आई हैव बीन फ्रेंड्स विद लाइक किसी भी इंस्टीट्यूट में रही, वो इतने सारे मेरे म्यूचुअल फ्रेंड्स होते थे वहाँ पे, लाइक एवरी पर्सन ऑलमोस्ट नोज मी, इतनी वो स्ट्रॉन्ग एक पीआर रही है मेरी शुरू से। कभी ऐसा हो स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में आप फ्रेंड्स के साथ लड़ी बाद में मैंने बात नहीं करनी दोबारा इनसे? मेरे ख्याल है ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन मुझे बिगाड़ मेरी वजह से कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि अगले के लिए कोई ना कोई गलती होगी तो मेरा ख़राब हुआ होगा, लेकिन जनरली मेरे मतलब ख़राब नहीं होती लोगों से, क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती और अच्छे ताल्लुकात रखने में बिलीव करती हूँ लॉन्ग टर्म। देखा जाता है जो घर का सबसे छोटा बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स में किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होता है, अपनी सारी शरारतें उनको बताना, अपने हर चीज़ उनके साथ शेयर करना, तो आप सबसे ज़्यादा घर में अपने फादर के साथ अटैच हैं या मदर के साथ? अब इसलिए अगेन मेरे लिए वो डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं दोनों से अच्छा, फादर का मेरे कुछ साल पहले इंतकाल हो गया, बट ये है कि मेरी उनसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी, इट्स वेरी रेयर स्पेशली इन आर कल्चर कि आप भी अपने डैड के साथ जो है इतना की अंडरस्टैंडिंग, डैड के साथ ये कि इट्स वेरी नॉट वेरी बट काइंड ऑफ रेयर कि आप हर बात ही शेयर कर रहे हैं पर्सनल मसले भी अपने, लेकिन मेरे अब्बू के साथ भी बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है, मेरी अम्मी के साथ भी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, लाइक शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हर बार कोई नया प्रोजेक्ट है या कोई मैंने काम और भी कोई फैसला करना है ज़िंदगी का या कुछ भी, तो मैं हमेशा उनको बताती हूँ, गलत भी कुछ कर दिया हो तो फिर भी बता देती हूँ, वो अलग बात है बाद में मुझे ताने मिल रहे होते हैं, लेकिन ये कि मेरी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे समझ आती हैं और अगर कोई गलती हो जाए तो ये कि मैं नज़रअंदाज भी कर देती हूँ, सो शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मतलब मेरे अब्बू के साथ सब मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग है। आप पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती हैं? पाकिस्तान के लिए एक तो ये है कि मेरा जो बायोटेक की फील्ड से ताल्लुक है, मेरा बायोटेक करने का मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान में एक रिसर्च सेंटर खोलना चाहती हूँ जिसकी अभी कमी है पाकिस्तान में, अच्छे रिसर्च सेंटर्स नहीं हैं जो कि हर मुल्क में बहुत ज़रूरी होते हैं। बिल्कुल, सो एक तो मेरा लॉन्ग टर्म ये प्लान है, वो व्हेन आई डू इट या मैं बाकायदा उस पर कब काम कर सकती हूँ आई डोंट नो, लेकिन एक तो ये मेरा प्लान है, एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू डू अ लॉट फॉर पाकिस्तानी म्यूज़िक इंडस्ट्री, आई वॉन्ट टू प्रोड्यूस गुड सॉन्ग्स, और मैं एज अ सिंगर एंड एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ इंटरनेशनल। जब ईद आती है या कोई ऐसे ओकेजंस वगैरह आते हैं जी जी, तो आपकी पूरे दिन की क्या रूटीन होती है? घर में रहती हैं, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा जाती हैं या फैमिली के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं? फ्रेंड्स और फैमिली दोनों के साथ होता है अक्सर, जो मेरे खासतौर पर क्लोज फ्रेंड्स हैं वो मेरी फैमिली की तरह ही होते हैं एंड देयर इन्वॉल्व इन माई फैमिली, तो वो अक्सर ये होता है कि वो भी आ जाते हैं फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं, बट ईद वगैरह पे ये होता है कि मेरा पहला और दूसरा दिन ज़्यादा फैमिली के साथ गुजरता है, फिर तीसरा दिन जो है मैं फिर वो फ्रेंड्स के लिए रखती हूँ, मुझे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने के, हम चलो मूवीज़ के लिए चले जाते हैं, खाने के लिए चले जाते हैं, इस तरह से होता है। आपको खाने पीने में ज़्यादा क्या चीज़ें पसंद है? अच्छा, मुझे हर टाइप का खाना टू बी ऑनेस्ट पसंद है, तो मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है, देसी बहुत पसंद है, इटालियन बहुत पसंद है, फास्ट फूड लवर हूँ मैं, इवन सैलड्स बहुत पसंद है, तो आई एम लाइक इनटू ऑल काइंड ऑफ फूड, बस मेरे वो मूड पे डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, लड़कियाँ मोस्ट होती हैं वो ना ब्रांड कॉन्शियस बहुत होती है, आप नहीं? मैं ब्रांड कॉन्शियस हूँ, अब मेरे ख्याल से इंसान का खुद की जो एक ज़ात होती है ना उसका, वो एक अपने आप में ब्रांड होता है, और वो कोई भी चीज़ पहने और उसको किस तरह से कैरी करे इस पर डिपेंड कर रहा होता है, तो आई एम नॉट एट ऑल ब्रांड कॉन्शियस, और मैं एक्चुअली इस चीज़ के सख्त खिलाफ कि ये जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है कि यू नो ब्रांड कॉन्शियस हो गए लोग,
और इनफीरियॉरिटी और वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स शुरू हो गए. सो हमारे जितने भी आगे न्यू गर्ल्स आ रही हैं जो कुछ करना चाहती हैं, यंग गर्ल्स हैं या टीन एज की हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, एक तो है कि आपको हमेशा जो है अच्छे लोगों से और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, पहली बात ये इस चीज़ को आपको समझना है. बट आपको काम करना है, और आप सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको नहीं ज़रूरत रही बड़े लेबल्स की उस तरह से. मतलब आप कुछ अर्सा अपने सोशल मीडिया पे भी काम करेंगे बाकायदा अच्छी तरह से, तो भी आप पॉपुलर हो सकते हैं, तो भी आपके काम को जो है वो पज़ीराई मिल सकती है. तो एक तो आपको शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं, मैं ये कहूँगी, और मेहनत करनी है और अपने काम को ग्रूम करना है. मतलब आपको ट्राई टू बी प्रोफेशनल एंड कंसिस्टेंट एट द सेम टाइम, और वाइज डिसीजन ले. स्पेशली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ तो आपको बहुत वाइजली चलना पड़ता है किसी भी फील्ड में, शोबिज़ के अलावा भी. तो बुरा मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि एक तो हम सब शोबिज़ को देखते हैं, सुनते हैं, बहुत से ज़राए हैं, फ़ोन पे, टीवी में, रेडियो पे, तो मैं हम बुरा नहीं कह सकते उसको. चलिए, हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि पहले हमने आपका ईद के दिन बहुत सारा टाइम दे दिया है. तो आप हमें ये बताएं कि लास्ट जाते जाते आप हमें क्या सुनाना चाहेंगे? अच्छा, ये भी कोक स्टूडियो का ही है, इट्स आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स. अगला मजबूरी नो आन जान दी पसुड़ी नो जहर बने हाथ तेरे पी जावा मैं पूरी नो आसियो नहीं आया दिल बांग बांग मेरा टकराया कागा बोल के दस जावे पावा क्यों दी चूरी नो रवाच पावाच ओनू लुका कोई मैनू ना रोके ओ मेरे ढोल जुदाई आदि तेन हबर कि वे हावे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे ओ हाँ बढ़िया बढ़िया दी गर्बात कि वे हावे आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे पूरा भी ना होवे. बहुत खूब, इसी के साथ हम लोग अपने प्रोग्राम का वाइंड अप करेंगे, पर जाते जाते मेरी और मकफरा की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक. अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ.